जम्मू कश्मीर टनल हादसे में शनिवार को 3 और मजदूरों का शव मिला। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। मलबे में अभी भी 6 मजदूर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार रात 11 बजे रामबन जिले के खूनी नाले के पास बन रही टनल का एक हिस्सा धस गया था। मलबे में 12 मजदूर फंस गए थे। आपको बता दें कि उस दौरान 2 घायलों को निकाल लिया गया था। इसके बाद शुक्रवार शाम को रेस्क्यू के दौरान 1 मजदूर का शव निकाला गया था। तो वहीं 20 मई को करीब 5:30 बजे रेस्क्यू के दौरान तेज आंधी चलने के कारण एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ और निर्माण अधीन टनल का हिस्सा 24 घंटे में दूसरी बार धस गया। हालांकि इस बार कोई मजदूर या कर्मचारी तो नहीं फंसा, लेकिन रेस्क्यू में लगी मशीनें दब गई। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 5:30 बजे से दोबारा रेस्क्यू शुरू किया गया। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद दूसरे मजदूर का शव मिला। दोपहर में 2 और मजदूरों का शव मिला। फिलहाल मलबे में पिछले 3 दिन से दबे 6 और मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।